वेलकम टू आदित्य किचन। आज हम बनाएंगे कांदा भजी। सबसे पहले हम लेंगे एक कप स्लाइस की हुई अनियन, एक चुटकी अजवाइन, एक टीस्पून स्लाइस जिंजर, एक टेबलस्पून बारीक काटी हुई हरी मिर्ची, दो से तीन टेबलस्पून बारीक काटा हुआ हरा धनिया, 3 टेबलस्पून दरदरा बेसन, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून बेसन। स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब सबको अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ पे अगर आप खाते हो तो गार्लिक भी डाल सकते हो, हरा या सूखा कोई भी गार्लिक आप डाल सकते हो, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, कम या ज्यादा। इस बैटर में बहुत कम पानी जाएगा, आप 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालते जाइए और बैटर बनाते जाइए। एकदम गाढ़ा बैटर बनना चाहिए। इसमें हमें बैटर ठीक रखना है, हमें इतना ही पानी डालना है जितना कि ओनियन की स्लाइस आटे से कोट हो जाए, बस। अब हमारा बैटर तैयार है। अब मैंने यहाँ पे दिखाया है इस तरह से, हाथ में छोटे छोटे चंक बनाकर हम इसको मीडियम हॉट ऑयल में डालेंगे और अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे भजी को क्रिस्पी बनाने के लिए हमने कॉर्नफ्लोर का उपयोग किया है, आप कॉर्नफ्लोर जरूर से डालिए। इसी तरह आप पालक की भी भजी बना सकते हैं, आलू की भी भजी बना सकते हैं। ऑनियन की स्लाइस जितनी अलग अलग फ्राई होगी उतनी ये भजी क्रिस्पी बनेगी। अब हमारी क्रिस्पी और टेस्टी भजी सर्व करने के लिए तैयार है। आप अपने मनपसंद डिप के साथ इसको सर्व कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। हम बहुत ही जल्द अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आदित्य किचन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।